छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से प्रेम की एक ऐसी अनोखी कहानी का मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल में बस्तर संभाग के रहने वाले एक युवक ने अपनी दो प्रेमिकाओं से एक ही मंडप में विवाह कर लिया है और इस विवाह को समाज ने रजामंदी भी दे दी है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी अनोखी प्रेम कहानी और इस विवाह के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल में युवक दोनों लड़कियों से प्रेम करता था और वह किसी भी हालत में इन दोनों से ही अलग नहीं होना चाहता था। ऐसे में उसने फैसला किया दोनों युवतियों से विवाह करने का। इसके चलते बस्तर जिले में हर तरफ इस शादी की चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के टिकरा लोहंगा में एक युवक रहता है। वह दो लड़कियों से प्रेम करता था और उनमें से वह किसी से भी अलग नहीं होना चाहता था। ऐसे में उसने दोनों से एक साथ शादी कर ली, वो भी एक ही मंडप में। इसके लिए युवक ने बाकायदा शादी के निमंत्रण पत्र में दोनों लड़कियों का नाम छपवाया है। हैरत की बात तो यह है कि इस शादी के लिए तीनों के परिजन भी राजी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकरा लोहंगा में रहने वाले चंदू मौर्य को करंजी निवासी हसीना बघेल और एरंडवाल की सुंदरी कश्यप से मोहब्बत है। इस दौरान सुंदरी और हसीना को एक दूसरे के बारे में भी जानकारी थी। यहाँ तक कि तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस पर भी बातें करते थे। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ ही रही थी कि सुंदरी गर्भवती हो गई। सुंदरी के गर्भवती होने पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो चंदू ने दोनों लड़कियों को अपनाने की इच्छा जाहिर कर दी। काफी माल मनोवल के बाद तीनों परिवार इस शादी के लिए राजी भी हो गए और टिकरा लोहंगा में ही शादी का आयोजन किया गया। फिर क्या था, चंदू ने एक ही मंडप में दोनों युवतियों से सात फेरे लिए। इसके बाद गांव वालों के लिए रिसेप्शन भी रखा गया जिसमें स्टेज पर दोनों दुल्हन और एक दूल्हे के बैठने की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान लोगों ने उन तीनों को शादी की बधाइयां भी दी। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में बताई गई शर्तों में से एक शर्त केवल एक विवाह की ही अनुमति देती है, दो विवाह पर प्रतिबंध है। विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई पत्नी जीवित हो और ना ही वधू का कोई पति जीवित हो। यदि कोई पक्षकार अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करता है या करने की कोशिश करता है तो अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। यदि आदिवासी की प्रथा और रूढ़ी में दूसरा विवाह मान्य है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उसे मान्यता दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे चोलाराम जी। शुक्रिया।